कर लो दोस्तों। अभी देखो मैंने उसी के अंदर लगा के वैसी मट्टी भर के और वो रख कर एग रख दिए। ये देखो यार पिद्दू का कितना छोटा एग है और मुर्गी का देखो कितना बड़ा। देखो कितना मुर्गी काफी छोटे भी। मैं इसे खुद पाल रहा हूँ। ये देखो मेरे पास आता है, ये चल भी नहीं सकता, इसकी ना टांग में लगी थी, लंगड़ा हो गया। ये देखो मेरे हाथ को देखेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और यार चेक करें आज भी वापस कितने हुए ये। यार मुझे जो लग रहा है ना, ये देखो कितना कमज़ोर है बेबी, छोटे वाला सबसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और इसके अंदर जंगली बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी सफाई भी करनी है हमने। और इसके चेक करें, देखो माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये देखो इससे तो हमारे पास कोई भी नहीं है। देखो पीछे से ब्लैक पर और ब्लैक ये नहीं, पीले कलर में, ये पीले कलर में ये वाला अपनी माँ पे जाएगा ये वाला तो। और ये वाला है वाइट में मेरे ख्याल से। हाँ ये भी पीले में ही है, वाइट में ये भी नहीं है। एक भी अपने बाप जैसा नहीं है, माँ जैसे हैं दोनों, से माँ में मिल रहे हैं सिर्फ। तो ये देखो माशाल्लाह से कितने प्यारे हैं। इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ें, चलो बैठे रहो। और डफ का तो बड़ा हो गया है काफ़ी। और इसकी माँ वापसी एक देने के लिए भी यहाँ पे आ रही है, वापस एक दे देंगे ये तो डफ तो वापस। और आज हम बिठाने वाले हैं हमारी ब्लैक वाली मुर्गी को एक पे, वापस इसी जगह पे जहाँ पे हमने पहले बिठाया था उसे। इन चीज़ों को तो हम ऊपर बंद करेंगे, यहाँ पे हम बिठाएंगे अपनी मुर्गी को। चलो इन्हें तो निकालें बाहर, पहले सेटिंग करें उसकी, उसको एक पे बिठाने की सेटिंग करें। काफ़ी तो सेटिंग हुई भी है इसकी। ये देखो ये तो लगे पड़े यहाँ पे, बस इसके अंदर हमने थोड़ा सा घास वगैरह रखना है और एग रखने हैं उसके। एग रख देंगे जितने एगों पर हमने बिठाना है, इतनी सी जगह बहुत है वैसी। एक रखते हैं, लेकर आते हैं पहले मुर्गी को ऊपर से लेकर आते हैं नीचे यहाँ पर, और फिर एक भी लेकर आते हैं उठाकर सारे के सारे। और फिलहाल यहाँ पर चूजे बंद करेंगे हम सारे के सारे। अभी चूजे को तो हमने बंद कर दिया यहाँ पर, बस अब यहाँ पर मुर्गी लेकर आते हैं ऊपर से नीचे, फिर यहाँ पर मुर्गी को लेकर आते हैं, मुर्गी को बिठाते हैं यहाँ पर, एक पे बिठाएँ ब्लैक वाली मुर्गी को। हेलो दोस्तों, यार बड़ी मुश्किल से पकड़ा मैंने इस मुर्गी को, ये हाथ में मेरे आई नहीं रही थी, भागी जा रही थी दूर बार बार। ये देखो अब ये ठीक भी हो जाएगी। ये देखो थोड़े जख्म वगैरह हो रहे हैं, ऊपर बंद होती है ये मारती है ना दूसरी वाली, ये वाली मुर्गी से मारती है, अब नीचे आएगी ना ठीक भी हो जाएगी बिल्कुल ही। और ये रही है इनकी माँ। ये देखो अभी इनके बच्चों को अभी छोड़ते हैं, काफ़ी दिन बाद अपने बच्चे बेबी इसके पास जाइए। ये काफ़ी दिन हो गए जिस टाइम छोटे छोटे थे हमने तो दूर कर दिया था वापसी एक देखे, फिर वापस कुड़क हो गई है, फिर वापस एक पे बिठा रहे हैं, फिर इनके भाई भी आने वाले हैं। और पिद्दा और पिद्दो के तीन एग हैं इनके ना, तीन एग हैं वो भी इनके पास रखेंगे, तीन तो टूट गए थे, तीन है बाकी। ये देखो बाल देखो कैसे खड़े कर रही है। तो ये देखो पिद्दा मार नहीं कर रहा है ना, तो मेरे हाथ में नहीं आती है लेकिन फिर भी उससे काफ़ी डरती है। अभी इसको छोड़ें पहले अंदर ही, चलो यहीं रुको यहाँ पे, मैं तुम्हारे एग लेकर आता हूँ और फिर एग भी लेकर आ जाता हूँ, और दूसरा घास वगैरह भी नीचे लगाना है वो भी लेकर आता हूँ। और ये रहा पिग्यन का बेबीस, जो एक जिसकी टांग में लगी थी ये मैं खुद पाल रहा हूँ। मैंने बताया था आपको मैं लेकर गया था नीचे, लगाया था इसे, मैं इसे खुद पाल रहा हूँ। ये देखो मेरे पास आता है, ये चल भी नहीं सकता, इसकी ना टांग में लगी थी, लंगड़ा हो गया। ये देखो मेरे हाथ को देखेगा ना, ये देखो मेरे पीछे पीछे आता है ये, और थोड़ा बड़ा हो जाए फिर देखना। ये देखो खाना मांग रहा है मेरे से, मैंने खाना दिया हुआ इसे फिर भी मांग रहा है ये, क्योंकि ये देखो इसकी खाना है, शाम का टाइम होने वाला है, शाम को इसको देंगे खाना, भी नहीं देंगे। ये देखो कैसे खाना ही कर रहा है माशाल्लाह से, देखो कितना प्यारा है। और टांग भी इंशाल्लाह इसकी ठीक हो जाएगी, दवाई वगैरह लगाई हमने। ये देखो अंदर रुकता ही नहीं, अंदर मेरे पास नहीं करता है बस। इसे हम इंशाल्लाह ट्रेन करेंगे अपने हाथ पे, मैं अपने हाथ पे इनको ट्रेन करूँगा इंशाल्लाह। और ये देखो माशाल्लाह से कितने ज़्यादा एक किए हुए, माशाल्लाह से काफ़ी सारे एग हैं, ज़्यादा तो नहीं। खैर इसमें से हमने काफ़ी सारे बड़ी वाले बतख को बिठा भी दिया था एक पे, दो और भी रखे थे यानी कि 11 अंडे इसमें से वो कम है, और 12-13 खैर हम पका कर खा गए। बाकी भी देखो माशाल्लाह से फिर भी काफ़ी सारे एग पड़े हुए हैं। इसमें तीन पिद्दो के हैं लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा किसका है, शेप को पता है, शेप आ जाए फिर हम बतख को बिठाते हैं, मुर्गी को बिठाते हैं ब्लैक वाली को। इन सारे एक पे सारों पे तो नहीं, खैर आधे एक पे बिठा देंगे, एक दो मैं सोचा बतख के भी रखूँ और पिद्दो का भी रखेंगे, और बाकी तीन या चार बाकी उसके खुद के रखेंगे। हेलो दोस्तों, ये रहे एग, अब वो एग निकालते हैं इसमें से जिस पे हमने अपनी मुर्गी को बिठाना है। इसको हटाओ भले, इसको तो अभी वहाँ पर लगाना है, निकालो इसको, इसी में रखो, निकालो नहीं शेप को बताए जो निकालने, ये वाला नहीं है रुक जाओ, ये रहे यार पिद्दो के एग, तुम तो चुप कर जाओ, चुप चुप, शोर ही नहीं खत्म हो रहा इन का। और ये देखो यार पिद्दो का कितना छोटा एग है और मुर्गी का देखो कितना बड़ा, देखो कितना मुर्गी काफी छोटे भी हैं, ये देखो कितना फर्क है। ये वाला तो देखो बिल्कुल ही, ये तो बिल्कुल ही छोटे वाला है, ये तो ब्लैक वाली मुर्गी का है ना, ये गोल अंडा है, हाँ गोल अंडा है, बिल्कुल छोटा था। नहीं तंग कर रहे चोंच पे, खाने के लिए आता है वो, माँ खाना मांग रहा है, मैं देता हूँ थोड़ी देर तक इसको। इस वाली मुर्गी को ना हम सारे एक मुर्गी के बतख के है ना छोटे वाली के, उस पर बिठाएंगे जितने भी छोटी बतख के एग हैं उस पर सारे इस पर रखेंगे। ये छोटी बतख का एग है, ये तो काफ़ी बड़ा एग है,
बाकी छोटे छोटे हैं, ये देखो कितना छोटा है, काफी छोटे हैं, काफी बड़े हैं। छोटी बत्तख को एक पे बिठाएंगे ना अभी, तो छोटी बत्तख को नहीं मुर्गी को बिठा रहे हैं छोटी बत्तख के एक पे। बत्तख का लग रहा है, ये बत्तख के ही है, ये सारे बत्तख के, ये वाला ही बत्तख का है, तो निशानी लगाई हुई है, निशानी लगी हुई है, लेकिन ये बाद वाले पे नहीं लगी हुई, शुरू वालों पे लगाई हुई है इसने भी, और इनमें से भी किसी पे निशानी थी ना एक पे पिद्दों के पे, ये रही है देखो कहाँ है और कौन से हैं। ये कितने हो गए, छः, छः हो गए, अभी बाकी कितने इसके, तीन, तीन और हैं, नौ हैं इसके, तीन इसके, कितने हो जाएंगे, नौ और तीन, ये भी बारह हो जाएंगे, बारह के बाद फिर हाँ ये बत्तख का ही लग रहा है, बत्तख का है ही, बत्तख का ही है, बारह और तीन, और ये भी बत्तख का, कितने हो गए, बारह और तीन, बारह और तीन नहीं, बारह और तीन बोल रहा हूँ, नौ और तीन बारह हो गए, बारह के बाद कितने बाकी मुर्गी के लेने, हमने बारह तेरह चार लेते हैं मुर्गी के, बाकी चार एक ले लो मुर्गी के, सोलह एक बिठा देंगे, बत्तख के तो पूरे कर लो, चार आठ हो गए, आठ हो गए, अब इनमें से ढूंढो, ओहो क्या हुआ, टूटा तो नहीं गई, नहीं आराम से उठाना बिल्कुल, इससे दूर हो जाओ ये खाना मांगी जाएगा, वरना इससे रहो, इधर आ जाओ समी, इससे दूर रहोगे ना ये खाना नहीं मांगेगा, करीब बैठे रहोगे खाना मांगेगा, ये बत्तख के कम्प्लीट हो गए, अब निकालते हैं दो ब्लैक वाली मुर्गी के और दो ब्राउन वाली के, ब्राउन वाली के व्हाइट वाली के निकालो नहीं, वो पुराने वाली अपनी मुर्गी थी उसकी पड़े कोई पता चार है? वो पड़े ना व्हाइट वाली के, हाँ वो पड़े, हाँ वो वाले निकालो यार, हमारे पास पहले ना व्हाइट वाली मुर्गी थी, उसके चार एक लेते हैं, उसको भी बिठा देते हैं इस पे, उसके चार एक ही है हमारे पास, उसके जो अंडे थे ना उनमें कलर ज्यादा था, कलर ये देखो एक हो गया, यार ये वाला बतख हमें ये वाला बतख बोल रहा हूँ, ये वाला अंडा हमें पता नहीं है किस चीज़ का है, ये मुर्गी का भी लगता है और बतख का भी लगता है, अभी इसको भी रख देते हैं, पता चल जाएगा जिसका डेबीज निकलेगा, सत्रह अंडे हो जाएंगे, एक उठा लो फिर मुर्गी का, नहीं बहुत है, सत्रह बहुत है, क्योंकि ये एक छोटे है ना इतना पता नहीं चलेगा, ये एक पे हम बिठाने वाले हैं, इस एक पे से, बाकी ये एक वापसी रख दो, ये रखो वापसी, तो इतने एक पे आप मुर्गी को कैसे बिठाएंगे, ये तो कुछ पे बिठा देंगे, कुछ जो होंगे वो खा लेंगे, हाँ तो फिर तेरह चौदह खा लिए हमने भैया, नहीं खिलाए खाएंगे नहीं, बाकी इस पे और बिठाएंगे वापस, देखते हैं क्रूक हो जाएगी उसके साथ, अगली दफ़ा फिर बिठा देंगे, और ये रही हमारी ब्लैक मुर्गी, मुर्गी मुर्गी बोल रहा हूँ, तोतला बन गए हैं मेरी, चलो जाओ इसे भी थोड़ी देर में ही एक पे बिठाने वाले हैं, अभी ये सही करते हैं, खेल लो दोस्त, अभी देखो मैंने उसी के अंदर लगा के वैसे ही मट्टी भर के और वो रख कर एग रख दिए, अब देखते हैं करीब जाएगी या नहीं, इसे खाना और पानी ला कर रखो शेब इसके आगे, इसने खाया नहीं था ऊपर, ऊपर हमने अभी तक नहीं डाला है, डाला ऊपर नहीं डाला, वो गई 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 गई, वो देखो उसके अंदर जैसे ही रखे ना, देखो याद आ गया कि हमें पहले भी सीधे ही बैठी, हाँ हाँ इसे याद आ गया, इसे ऐसे देखो जैसे ही रखा है हमने फौरन चली गई वहाँ, पानी भर के थोड़ी देर तक ये बैठ जाएगी फिर आपको दिखाता हूँ आकर, अभी हमने खाना वगैरह भी दे दिया इसे, ये देखो खाना खा रही है, उसके बाद एक पे चली जाएगी, इसने खाना नहीं खाया हुआ था इसलिए एक पे नहीं बैठ रही थी, अब ये खुद ही जाके एक वगैरह पे बैठ जाएगी। हेलो दोस्तों यार, हमने ना ये देखो यहाँ पर लाके अभी छोड़ा है, ये जहाँ एक देती है ना वहीं बैठती है, अब मैं नीचे काफ़ी ट्राई की मैंने इसको बिठाने के लिए, नीचे नहीं बैठी, यहाँ लाकर एक रखते ही देखो बैठ गई, अगर यहाँ पे ला के जैसे रखे और बैठ गई, हमने जितने भी एग रखे ना बस इंशाल्लाह सारे बेबीज निकल जाएँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।